जय हिंद दोस्तों, आप मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर हैं। आप में से ज़्यादातर साथी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ को डिवोटेड एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोज डिस्कस करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में एक घंटी का निशान है, उस पर क्लिक करके ऑल को टिक कीजिए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम पॉलिटिकल थियरी के ऊपर एक मेगा क्विज को डिस्कस करेंगे। ये क्विज पॉलिटिकल थियरी के सभी टॉपिक्स को, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है। आपको क्वेश्चंस देखने में लग सकते हैं कि वन लाइनर है या आसान क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिकल थियरी ही आपकी समझ को जांचने का ये एक बहुत बेहतर माध्यम है। आप ऑनेस्टली अपने आंसर्स चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द टर्म पोलिस ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स। पोलिस शब्द जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है? इट मीन्स सिटी स्टेट, नगर राज्य या शहर राज्य। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस? तो अरस्तु को फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस कहा जाता है। द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक इज, द रिपब्लिक इज रिटन बाय प्लेटो और इसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। हु अमोंग देम वाज द टीचर ऑफ प्लेटो? निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का शिक्षक था? सोक्रेट्स, जिसको हम सुकरात लिखते हैं हिंदी में, वो प्लेटो का टीचर था। मैन इज बाय नेचर ए पोलिटिकल एनिमल, इट इज कोटेड बाय अरिस्टोटल। आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन माई प्रीवियस वीडियोज। द वर्ड थियरी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो थियरी शब्द ग्रीक भाषा के थियोरिया शब्द से लिया गया है। द वर्ड थियोरिया मीन्स, इस थियोरिया शब्द का क्या अर्थ है? इट मीन्स स्पेकुलेशन, इसका मतलब होता है स्पेकुलेट करना। विच बुक हैज बीन रिटन बाय एरिस्टोटल? एरिस्टोटल रोट द बुक द पोलिटिकस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिटिकल थियरी प्रोवाइड्स, सिग्निफिकेंस क्या है पोलिटिकल थियरी का? तो इसका सिग्निफिकेंस है ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट, यानी कि सरकार और राज्य के बारे में व्यवस्थित चिंतन। पॉलिटिकल थियरी इज ए ब्रांच ऑफ, पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। हु अमोंग द फॉलोइंग क्लेम टू कॉइन द टर्म पॉलिटिकल साइंस इन 16th century? 16वीं शताब्दी में किसने पॉलिटिकल साइंस शब्द गढ़ा? तो बोंदा ने पॉलिटिकल साइंस शब्द 16वीं शताब्दी में गढ़ा था। 1576 में उसकी एक किताब आई थी, सिक्स बुक्स ऑन रिपब्लिक्स, विच इज नॉट द अप्रोच ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी का अध्ययन की कौन सी अप्रोच नहीं है? तो ट्रेडिशनल फिलोसफिकल अप्रोच दोनों सही हैं, सोशोलॉजिकल अप्रोच पॉलिटिकल थियरी की स्टडी से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी? इट्स करेक्ट आंसर इज बी, फिलोसॉफिकल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ, यानी परंपरागत उपागम ने किसके अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया? तो स्टेट के अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया था। गार्नर का स्टेटमेंट आपने सुना भी होगा, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, जबकि जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं उसमें पॉलिटिकल बिहेवियर को और पॉलिटिकल सिस्टम के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी हैज बीन क्रिटिसाइज ऑन विच ग्राउंड, यानी कि जो परंपरागत उपागम है पॉलिटिकल थियरी का, उसको किस आधार पर उसकी आलोचना की जाती है? तो उसको अनसाइंटिफिक कहा जाता है, अवैज्ञानिक कहा जाता है। बिहेवियरलिज्म ने, जो मॉडर्न अप्रोच में आता है, साइंटिफिसिटी यानी कि वैज्ञानिकता पर ही बहुत अधिक बल दिया था। क्लासिकल थियरी इज प्राइमरीली कंसर्न विद द सर्च ऑफ ए परफेक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर, एक निपुण राजनीतिक व्यवस्था की जो खोज है वही परंपरागत थियरी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी डू नॉट गिव्स इंपॉर्टेंस टू, व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक सिद्धांत का इसको महत्व नहीं देता है, तो ये फिलॉसफी को या दर्शन को महत्व नहीं देता है। ये वोटर्स, पॉलिटिशियंस, इलेक्शंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल सिस्टम, इस सब पे ध्यान केंद्रित करता है। बिहेवियरलिज्म एनालाइज्ड ऑन दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, यानी कि व्यवहारवाद ने जो अवलोकनीय व्यवहार है पॉलिटिकल एक्टर्स का, उस पर ध्यान केंद्रित किया है, उसका विश्लेषण किया है। बिहेवियरल अप्रोच वॉज द प्रोटेस्ट मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस इज कोटेड बाय, इट इज कोटेड बाय रॉबर्ट ए डहल।
रॉबर्ट डहल, इसमें टाइपिंग थोड़ी एरर हुई है, उनकी एक किताब थी रॉबर्ट डहल की 1936 की, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, बिहेवियरलिज्म अप्रोच डोमिनेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर, यानी कि जो व्यवहारवादी उपागम है वो पॉलिटिक्स में कब आया, पॉलिटिकल साइंस में कब आया, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये व्यवहारवादी उपागम बहुत अधिक अभिभावी या प्रभावी हो गया। अकॉर्डिंग टू ईस्टन, डेविड ईस्टन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टिनेट्स ऑफ बिहेवियरल क्रेडो, यानी व्यवहारवादी उपागम की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन बी इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च विद अदर सोशल साइंसेज, यानी कि दूसरे जो समाज विज्ञान हैं उनसे जुड़ना, पॉलिटिकल साइंस को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना इसका मुख्य ध्यान का केंद्र था। बिहेवियरल अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज ड्यू टू, व्यवहारवादी उपागम की आलोचना क्यों की जाती है, तो मेड क्रेज फॉर साइंटिसिज्म, यानी कि वैज्ञानिकता पर बहुत अधिक बल के कारण इसकी आलोचना की जाती है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म अपीयर्ड एज ए न्यू अप्रोच इन दी लेट 1960s, ये 1969 में गढ़ा गया शब्द था, 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के 65वें अध्यक्ष भाषण से डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा की थी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज बोथ ए मूवमेंट एंड ए इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी, यानी उत्तर व्यवहारवाद एक मूवमेंट भी है और एक इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी भी है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज एसोसिएटेड विद, तो ये जुड़ा हुआ है डेविड ईस्टन से, डेविड ईस्टन ने ही 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अध्यक्ष भाषण से इसको दिया था। द फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन, तो ये इसमें दोनों पे बल दिया जाता है, फैक्ट पे भी और वैल्यू पे भी, जबकि व्यवहारवाद में फैक्ट पर ही बहुत अधिक बल दिया गया था। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद इज ऑल्सो रिगार्डेड एज, उसको और क्या कहा जाता है, नियो बिहेवियरलिज्म, नव व्यवहारवाद, विद हुम कार्ल मार्क्स रोट दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 की ये बुक है, तो इसको किसके साथ लिखा था मिलकर के, इसको लिखा था एंजिल्स के साथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी एम्फेसाइजेस अगेंस्ट, तो मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है पॉलिटिकल थियरी को लेकर के वो किस पे बहुत अधिक बल देता है, किसके विरुद्ध है, वो कैपिटलिज्म के विरुद्ध है। स्टेट इन मार्क्सिस्ट अप्रोचेस बिलोंग टू, मार्क्सिस्ट अप्रोच में स्टेट किससे बिलोंग करता है, सुपर स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर, मिडिल स्ट्रक्चर, लोअर स्ट्रक्चर, तो इसको मैंने अपने पहली वीडियोज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मार्क्स स्टेट को, दर्शन को, विज्ञान को, राजनीति को, इन सबको सुपर स्ट्रक्चर मानता है, बेसिक स्ट्रक्चर में वो उत्पादन की प्रणाली को ही रखता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरिस्टोटल कंसिडर्ड पॉलिटिक्स एज, तो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा था एरिस्टोटल ने। हु सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, जेम्स विलफोर्ड गार्नर सेड दिस। हु रोट द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हेराल्ड जोसेफ लास्की ए ब्रिटिश फिलोसोफर रोट दिस बुक इन 1925। हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, और ये कहा था डेविड ईस्टन ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, हु सेड पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फेनोमेना ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, तो ये कहा था जॉन सीले ने। क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द बेसिक स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज टू एनालाइज, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी किसके एनालिसिस करती है, द नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। हु सेड कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंपेरियलिज्म, तो इसको कहा था लेनिन ने। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये कहा था लेनिन ने, इस नाम से एक किताब भी लिखी थी इन्होंने। हु मेड द स्टेटमेंट दैट पोलिटिकल थियरी वॉज पोलिटिकल साइंस इन द फुल सेंस एंड देयर कुड बी नो साइंस विदाउट थियरी, तो ये पोलिटिकल थियरी के बारे में बोला था डांटे जर्मिनो ने, थियरी का महत्व बताते हुए। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच एडवोकेट्स फॉर, यानी कि मार्क्सवादी उपागम का अंतिम ध्येय क्या है, इसका अंतिम ध्येय है एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। थियरीज ऑफ ओरिजन ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विद, निम्नलिखित में से कौन सी थियरी ओरिजन ऑफ स्टेट से जुड़ी हुई है,
तो राज्य के उद्भव से जुड़ी हुई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज अगेंस्ट, तो ये डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट जो थी उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ था। द लाइफ ऑफ मैन इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर वाज, यानी कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है उसमें मैन की नेचर कैसी थी, तो वो बहुत पुअर था। इसका पूरा स्टेटमेंट है कि मैन इज बाय नेचर ए सॉलिडेटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड सोट एनिमल। हु रोट द बुक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इन 1762 जीन जैक्स रूसो ए फ्रांसीसी स्कॉलर रोट दिस बुक। हु अमंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट एडवोकेट्स फॉर एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी सामाजिक संविदावादी विचारकों में कौन निरपेक्ष या संपूर्ण संप्रभुता की बात करता है? तो थॉमस हॉब्स ने एक निरंकुश संप्रभुता की बात की थी। हु एडवोकेट्स द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स की बात की थी जॉन लॉक ने, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। फो मार्क्स स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन ऑफ द वर्कर्स बाय, तो राज्य एक उपकरण है जिसके द्वारा जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स का शोषण करते हैं। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वाज रिटन इन ए बुक कॉल्ड, यानी कि ये लेवायथन नामक जो 1651 की किताब है उसकी, उसमें उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का वर्णन है। रूसो सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, तो रूसो ने कहा था मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मार्क्सिस्ट कंसेप्चुलाइज्ड स्टेट एज, तो इन्होंने स्टेट को आर्टिफिशियल कहा था, एक कृत्रिम संरचना कहा था जिसको हैव्स ने बनाया है हैव्स नॉट हैव नॉट्स का शोषण करने के लिए। जॉन लॉक हैज रिटन द बुक कॉल्ड, तो जॉन लॉक ने लिखी थी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसको लिखा था 1689 1689 में। हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये था वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी ये सतत संघर्ष और युद्ध की अवस्था थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय रूसो, रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जनरल विल या सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। दी स्टेट इज नॉट ए मेयर आर्टिफिशियल क्रिएशन बट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ऐसा कहा था जेम्स विलफोर्ड गार्नर ने। और हु सेड किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स दी स्टेट, यानी नातेदारी से समाज का जन्म होता है और समाज बाद में राज्य को क्रिएट करता है, ऐसा राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मैकाइवर ने कहा था अपनी पुस्तक दी मॉडर्न स्टेट में। हु सेड अंडरलाइंग ऑल अदर एलिमेंट्स इन स्टेट फॉर्मेशन इंक्लूडिंग किनशिप एंड रिलीजन इज पोलिटिकल कॉन्शियसनेस दि सुप्रीम एलिमेंट, यानी राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सबसे सुप्रीम एलिमेंट है, ऐसा कहा था गिलक्राइस्ट ने। हु रॉट द बुक द प्रिंस 1513 में लिखी थी इटालियन विचारक मैकियावली ने। दी स्टेट फॉर मार्क्स इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआजी, यानी बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहता है मार्क्स स्टेट को। दी ऑथर ऑफ द बुक दी ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट, ये लिखी थी मार्क्स के फ्रेंड फ्रेडरिक एंगेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द कैपिटलिस्ट स्टेट विल बी टेकन ओवर बाय, यानी किसके द्वारा टेक ओवर किया जाएगा? तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट, यानी सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, इसके द्वारा ये प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थियरी के अनुसार द स्टेट इज आर्टिफिशियल क्रिएशन टू सूट द रूलिंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 63, द टर्म सॉवरेनिटी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म सुपर एनस, सर्वोच्च शक्ति होता है इसका मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्लुरैलिटी इसकी विशेषता नहीं है। इन पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता में, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम, तो अल्टीमेट सोर्स होता है प्यूपिल, यानी लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता कहाँ निहित होती है? लोगों में। ऑस्टिन थियरी ऑफ सॉवरेनिटी इज ऑल्सो नॉन विस थियरी, तो ऑस्टिन की थियरी को मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है, इस पर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑथर लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इज, तो ये लिखी थी जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी के समर्थक हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट
दी एक्सपोनेंट्स ऑफ प्लुरिस्ट थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो अर्नेस्ट बार्कर, फिगिस और लॉस्की तीनों ही इसके समर्थक हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता का ये किसके प्रति रिएक्शन था? तो ये मोनिस्टिक थियरी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आई थी। विच थियरी चैलेंजेस दी सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट एंड रिगार्ड्स स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, यानी कि संप्रभुता के सिद्धांत को किसने चैलेंज किया और स्टेट को, राज्य को, समुदायों का समुदाय कहा या संघों का संघ कहा? तो ऐसा कहा था बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांतकारों ने। अकॉर्डिंग टू प्लुरलिस्ट थियरी द बेसिस ऑफ स्टेट सॉवरनिटी इज, तो बहुलवादियों के अनुसार जो संप्रभुता का बेसिस है, आधार है, वो लोगों की इच्छा ही है। हु डिफाइंड स्टेट एज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो ये कहा था हीगल ने, जॉर्ज विलहम फ्रेडरिक हीगल इनका पूरा नाम था। दी स्टेटमेंट एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा दिए गए अधिकारों से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट है थॉमस हिल ग्रीन का। हु सेड ओवर हिमसेल्फ हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरन, यानी अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर और अपने मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है, ऐसा कहा था ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी नामक अपनी किताब में। द वर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम ओल्ड ट्यूटोनिक टर्म, तो ये लिया गया है लैग से, ये ट्यूटोनिक भाषा के लैग शब्द से लिया गया है। जॉन ऑस्टिन डिफाइंस लॉ एज द कमांड ऑफ, तो सॉवरन यानी कि जॉन ऑस्टिन कानून को संप्रभु का आदेश कहता है। हु एक्सप्लेन्ड दैट लॉ इज ए रूल ऑफ सिविल कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम पावर इन ए स्टेट कमांडिंग व्हाट इज राइट एंड प्रोहिबिटिंग व्हाट इज रॉन्ग, तो ऐसा कहा था ब्लैक स्टोन ने। ब्लैक स्टोन एक विधिवेत्ता थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? कस्टम, रीति रिवाज, धर्म, लेजिस्लेशन यानी विधायन, ये तीनों इसके सोर्स हैं। लिबर्टी इसका सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस को पार्ट ऑफ लॉ माना जाता है, अध्यादेश। भारत के संविधान में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। विच रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल लेजिटिमेट सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में कानून का सबसे बड़ा वैध स्रोत कौन सा है? तो यह है लेजिस्लेशन यानी कि विधायन। विच इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वेयर देर इज नो लॉ देर इज नो फ्रीडम, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। दी एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी इज, यानी कानून और स्वतंत्रता के मध्य सकारात्मक संबंध है, कैसे? क्योंकि लॉ एक सभ्य समाज की स्थापना में मदद करता है और लोगों की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित रखता है। विच टाइप ऑफ लॉ डील्स विद क्राइम एंड लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि अपराध और दंड से संबंधित विधान कौन सा होता है? क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी इज द मोर लॉ द लेस लिबर्टी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं जहां पर जितने अधिक कानून होते हैं वहां स्वतंत्रता उतनी ही कम होती है। लॉ एक्सर्टेड दैट द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ लॉ दैट रेगुलेट्स द एक्शंस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी एंड इट्स बैक्ड बाय द कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, तो नेशनल लॉ इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय कानून। मोनिज्म स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट इज्म इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, हु स्टेट्स दैट द ग्रेट एम ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी हैज बीन इक्वेलिटी बिफोर दी लॉ। एफ ए हेयक ने यह कहा था। हेयक एक नवउदारवादी विचारक हैं, स्वेच्छातंत्रवादी धारा से इनका संबंध है। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कौन सा नहीं है? तो स्टेट लेजिस्लेशन इसका सोर्स नहीं है। द टर्म लिबर्टी इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड
लिबर, LIBER, द टर्म लिबर्टी मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रीडम। मार्क्सिस्ट एनालाइज्ड फ्रीडम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैन। द ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइज टू वुमेन ऑन इक्वल टर्म्स विद मैन इज एन एसर्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए पुरुषों के समान, ये उनकी राजनीतिक समानता पर आधारित एक मान्यता या तर्क है, विच इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल लिबरलिज्म। तो एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हैं माल्थस, रिकार्डो, जेम्स मिल और जे एस मिल। इन हिज डिफेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी जॉन लॉक प्रपोज्ड, तो लिमिटेड गवर्नमेंट को उसने प्रपोज किया था ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बची रहे। यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, उसका मुख्य प्रिंसिपल क्या है? द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम जुड़े हुए हैं इससे। लिबरल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एम्फेसाइजेस ऑन, यानी कि उदारवादी जो दृष्टिकोण या कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा है स्वतंत्रता की, वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जे एस मिल, इन सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी हैज रिटन ए बुक कॉल, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थन में उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है ऑन लिबर्टी, 1859। लिबरल आइडियाज ऑफ फ्रीडम टोटली रिजेक्ट द फंडामेंटल लिबरल आइडिया ऑफ फ्रीडम टोटली रिजेक्ट द फाउंडेशनल अजम्पशन ऑफ डिवाइन राइट थियरी, यानी कि उदारवादी विचार ने डिवाइन राइट थियरी को पूर्णतः नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। द स्टेटमेंट लिबर्टी इज फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेज हिज पर्सनैलिटी, तो ये कहा था GDH कॉल ने। GDH कॉल एक गिल्ड समाजवादी हैं। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी वॉज रिटन बाई आइजे बर्लिन ने लिखा था, ये भी एक स्वेच्छातंत्रवादी यानी लिबर्टेरियन थिंकर हैं। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि प्रतिबंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से। पॉजिटिव लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म परिचय कह सकते हैं इस शब्द को। अकॉर्डिंग टू लॉस्की पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स, लॉस्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? द पावर टू बी एक्टिव इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के मामलों में सक्रिय होने की जो पावर है वही उसके अनुसार पॉलिटिकल लिबर्टी है। इंडिविजुअल लिबर्टी इज अंडरस्टूड एज द फ्रीडम टू परस्यू वंस डिजायर्स एंड इंटरेस्ट विदाउट एनी वायलेशन विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ऑप्शन बी, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन सी, फ्रीडम टू वायलेट द स्टेट लॉ, ये इंडिविजुअल लिबर्टी का कोई हिस्सा नहीं है राज्य के कानून को वायलेट करना। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यानी प्रतिबंधनों का अभाव स्वतंत्रता है, यद्यपि ये नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित दृष्टिकोण है। ऑन दी जेविस क्वेश्चन, मार्क्स लिंक्ड पर्सनल लिबर्टी टू इगोइज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, द टर्म इक्वालिटी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो इक्वेटस से जुड़ा हुआ है ये, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु डिफाइंस इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल एंड पीपल एंड द एवोल्यूशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिवलेजेस, तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था बारकर ने। एरिस्टोटल हैज एक्सपाउंडेड टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कौन कौन सी हैं जो एरिस्टोटल ने बताई हैं? न्यूमेरिकल एंड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो धन और संसाधन हैं उनका समतापूर्ण वितरण हो, ऐसा जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी की मान्यता है, उससे जुड़ी हुई बात है। लीगल इक्वालिटी इज डिफाइंड एज इक्वालिटी बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 115, हु सेड दैट द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वैन द होप फॉर फ्रीडम, यानी कि समानता की इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, ऐसा कहा था लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन ने यह भी कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। मैन कैन नॉट बिकम एब्सोल्यूटली इक्वल्स अनलेस दे आर एंटायरली फ्री, ऐसा किसने कहा था?
टॉकविल ने, ये भी कहा था कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका उनकी किताब है। लिबर्टी एंड इक्वेलिटी बिकम द टू इम्पोर्टेंट एसेंस ऑफ विच ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दो बहुत महत्वपूर्ण ये आधार हैं, यानी कि लिबर्टी और इक्वेलिटी। द एक्सपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वेलिटी होल्ड्स दैट, यानी कि जो समर्थक हैं नेगेटिव रिलेशनशिप के लिबर्टी और इक्वेलिटी के बीच, वो क्या कहते हैं, लिबर्टी इज नेचुरल बट नॉट इक्वेलिटी, यानी कि स्वतंत्रता स्वाभाविक है, नेचुरल है, जबकि इक्वेलिटी स्वाभाविक नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव व्यू लिबर्टी एंड इक्वेलिटी आर कॉन्ट्राडिक्ट टू इच अदर, कंपिटेबल नॉन कंपिटेबल, अपोज टू इच अदर। तो सकारात्मक दृष्टि के हिसाब से ये एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता। राइट्स और दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो ये कहा था लास्की ने, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। जॉन लॉक इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेचुरल राइट्स, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति। द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड मॉरल राइट्स आर, यानी कि कानूनी और नैतिक अधिकार के बीच क्या क्या डिफरेंस है। लीगल राइट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ, उसको एनफोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा, जबकि जो नैतिक अधिकार हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते किसी भी स्टेट कानून के द्वारा। द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अंडर, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के किसके अंतर्गत आता है, तो दिस इज पॉलिटिकल राइट, जिसमें चुनाव लड़ने का अधिकार भी आता है, मतदान का अधिकार भी आता है और बहुत से अधिकार आते हैं। विच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा सोर्स है ह्यूमन राइट्स का, जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने की थी। द फ्रेज एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हेराल्ड जोसेफ लास्की के द्वारा। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा दिए गए अधिकारों से जाना जाता है। राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की किताब है ये। थॉमस पेन ने भी ये माना है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है। सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल थियरी ऑन द ग्राउंड दैट इट लिमिट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये यानी कि जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है अधिकारों का, उसकी आलोचना की गई है लिबरल थियरी के द्वारा, इस आधार पर कि ये इंडिविजुअल के राइट्स को कम करता है, सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 128, हु सेड ए राइट इज क्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। तो ऐसा कहा था बोसांके ने, अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राइट इज इंटेग्रली कनेक्टेड विद, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं राइट, तो राइट फ्रीडम के साथ जुड़े हुए हैं। द फ्रेज ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर एंडोव्ड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टेन इनअलाइनेबल राइट्स, तो ये कहा था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, कहा गया था कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उनको उनके बनाने वाले ने कुछ ऐसे अधिकारों से नवाजा है जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता, जो गैर उल्लंघनीय हैं। विच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। तो यूनिवर्सलिटी नेचुरल राइट्स थियरी की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 132, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स प्रिज्यूम्स दैट राइट्स आर टू बी प्रमोटेड फॉर वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन्स के लिए राइट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग सीज इंडिविजुअल्स राइट्स एज वन ऑफ द गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी टू मैक्सिमाइज द टोटल वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, तो यूटिलिटेरियनिज्म ऐसा मानता है जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ वॉट इज लॉफुल एंड फेयर बाय ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, इसी को आनुपातिक समानता भी कहते हैं। द टर्म जस्टिस इज डराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जस्से, लिया गया है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लेटो गेव हिज थियरी ऑफ जस्टिस इन हिज बुक, प्लेटो ने अपनी जस्टिस थियरी दी थी द रिपब्लिक में, इसीलिए उसका नाम है कंसर्निंग जस्टिस, उसका सब टाइटल है। हु एनालाइज्ड जस्टिस एज ए वर्च्यू टू रेस्पेक्ट फ्रीडम
ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स, तो ऐसा कहा था इमैनुअल कांट ने 1795 की उनकी किताब है परपेचुअल पीस, हु सेड जस्टिस एज द चीफेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैन, ये कहा था डेनियल वेबस्टर ने, हु डिफाइंड जस्टिस एज द वर्च्यू बाई विच ऑल पीपल आर गिवन दायर ड्यू, ऐसा कहा था सेंट ऑगस्टाइन ने। नेचुरल जस्टिस इज द कंसेप्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो लॉ ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है ये, वहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो इसका सही आंसर है फ्री स्पीच। क्वेश्चन नंबर 142, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, डेविड मिलर की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज द प्रोसेस इन विच एवरीवन हैज द लिबर्टी टू एग्जर्ट दायर बेसिक पॉलिटिकल राइट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144, द प्रिंसिपल ऑफ लीगल जस्टिस इज डिफाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन बी। करेक्टिव जस्टिस इज ए कंसेप्ट इन विच, यानी करेक्टिव जस्टिस एक कंसेप्ट है जिसमें द रॉन्ग डूअर शुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज फॉल्टी बिहेवियर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्टिस एज फेयरनेस इज एसोसिएटेड विद, यू नो इट्स रिलेटेड विद जॉन रॉल्स, ही रॉट ए बुक इन 1971 ए थियरी ऑफ जस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई जॉन रॉल्स ए थियरी ऑफ जस्टिस इन 1971। रॉल्स डिफाइंड जस्टिस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इक्वलिटी, इक्वल लिबर्टी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोशल जस्टिस फॉट अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन दी सोसाइटी, सामाजिक न्याय ने इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। क्वेश्चन नंबर 150, अकॉर्डिंग टू रॉल्स सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड, किस तरीके से अरेंज की जानी चाहिए सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, ताकि जिनके पास न्यूनतम संसाधन है उनको अधिकतम लाभ हो सके। यहाँ पर ये क्विज पूरी होती है। आपने कितने क्वेश्चंस इसमें से किए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्द ही हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें या तो हम कोई नई क्विज या किसी प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को बाकी लोगों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि बाकी लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें। जय हिंद, नमस्कार।